ऑडियो वीडियो बोथ इज क्लियर चिल्ड्रेन। ऑडियो वीडियो बोथ इज क्लियर। ओके चिल्ड्रेन, हम लोगों ने फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन कर लिया था या फिफ्थ बताना है मुझे? चिल्ड्रेन टेल मी, फिफ्थ क्वेश्चन बताना है या फिफ्थ कर लिया था हम लोगों ने? एक क्वेश्चन हो गया था फिफ्थ का। तो मैं ना अब आप लोगों को चिल्ड्रन फिफ्थ और सिक्स्थ ही बता देती हूँ। दर्शिका ने लिखा है, दर्शिका ने लिखा है कि फिफ्थ और सिक्स्थ नहीं हुआ, तो मैं वही बता दे रही हूँ चिल्ड्रन, आप लोग भी वो कर लेना है ना। ओके, कोई बात नहीं रितिका, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ का बताया था ना, अब मैं फिफ्थ का फिफ्थ और सिक्स्थ बता रही हूँ। ओके, तो इससे आपका क्लियर भी हो जाएगा। ओके चिल्ड्रन, एक्सरसाइज 8 C। ओके, इज इट विजिबल चिल्ड्रन? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज फिफ्थ का। ये फिफ्थ है चिल्ड्रन, है ना? फिफ्थ का फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस 2x2। अब देखो बच्चों, इसको सब्ट्रैक्ट करना है y³ से, तो क्वेश्चन नहीं लिख रही हूं मैं, है ना। y³ - 3xy² -4x²y। देखो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आगे वाले को, तो पहले मैंने सेकेंड वाला लिख लिया, x³ - 3x²y और -4x²y, और अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है चिल्ड्रेन माइनस। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? x³, लिखेगा आपको ना, x³ + 2xy² है, 2x² y, देन प्लस 6xy² 6xy² एंड -y³। अब ना सब्ट्रैक्शन है ना चिल्ड्रेन, तो इसको हमेशा ब्रैकेट में क्लोज कर लो। ओके, जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन को ऑलवेज हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। बेटा आप कैसे स्क्रीन नहीं देख पा रहे हो? बेटा आप अपना मोबाइल सेट करो। रेस्ट ऑफ चिल्ड्रेन, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? रेस्ट ऑफ चिल्ड्रेन, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? बच्चों आप सब देख पा रहे हो? रितिका आप एक बार ना वापस से आप कनेक्ट हो जाओ, हो सकता है आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है ना?
बाकी के सारे बच्चों को दिख रहा है बेटा? आप रितिका कुछ नहीं है बेटा, आप एक बार वापस से फिर से आप हो जाओ, रिकनेक्ट हो जाओ और सही से आप देखो, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रही हो आपको। देखो बाकी सारे बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना। ओके, अब देखो जब भी चिल्ड्रेन माइनस होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है कि जब भी माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें होती है उनके साइन चेंज हो जाते हैं। मैं यहाँ पे चाहती तो इनके नीचे भी लिख सकती थी चिल्ड्रेन, बट मैं ये नीचे वाला वो भी मैं बता दूंगी, अभी मैं इसी सीक्वेंस में बता रही हूँ। दिस इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3xy² माइनस 4x² y, साइन चेंज होगा चिल्ड्रेन, ये प्लस था सॉरी, तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस x³ माइनस 2x² y माइनस 6xy² एंड प्लस y³। अब एक जैसे को एक जगह ले आओ, y³ और सबसे लास्ट वाला y³, ठीक है ना। और अब इस ऐसे वाले को एक जगह लाओ, माइनस 3xy² और एक और है xy², देखो ये है माइनस 6xy², ठीक है बच्चों। अब ना इसको एक जगह लाओ, माइनस 4x² y और ये लाओ माइनस 2x² y और सबसे लास्ट में माइनस x³, हो गया। अब देखो दोनों प्लस के हैं तो प्लस प्लस, वन और वन मिलकर 2y³। अब बच्चों पता है ना माइनस माइनस भी प्लस होता है, तो 6 और 3 मिलकर 9xy², यहाँ भी माइनस माइनस मिलकर प्लस और साइन माइनस की 4 और 2 6 और लास्ट में माइनस x³ एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना। यही हमारा आंसर हो गया। आ गया सबको समझ में? नोट डाउन करो, फिर मैं 6th भी इसका बता दूंगी। 6th को मैं वैसे बताऊंगी जैसे पहले बताया था, ऊपर नीचे रखकर सॉल्व करना, हो जाए तो बच्चों चिल्ड्रन डन लिख देना। मनीष इसमें कुछ नहीं है बेटा, माइनस की साइन है तो हमेशा जो ब्रैकेट के अंदर सारे टर्म्स हैं, माइनस की साइन जब भी बाहर में होती है तो सारे साइन की साइन चेंज होती है, जो प्लस है वो माइनस हो गया, जो माइनस है वो प्लस हो गया। इसके बाद लाइक बताई थी ना, लाइक एक्सप्रेशंस एक जैसे वाले को सबको एक जगह कर ली, जैसे ये तो कितनी बार बता दी हूँ बेटा पहले भी, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, और ये वाई स्क्वायर सेम था, उनको एक जगह। देखो अगर ये माइनस बाहर भी रख के ऐसे रखते ना, देखो ये ब्रैकेट में रखते तो बीच की साइन प्लस हो जाती, बीच की साइन प्लस हो जाती, कैसे भी बना लो एक ही बात होता है। तो 6 और 3 9 माइनस 4 और 2 6 माइनस, हो गया ना। इनको हम सीक्वेंस में भी रख के बनाएंगे, वो भी मैं सिखाऊंगी अभी आपको। आ गया समझ में? इसके बाद तो रिस्पॉन्स करते नहीं हो बेटा, रिपीट तो लिख देते हो और मैं जब समझा देती हूँ तो समझ गए ना। ओके ठीक है ना। अब देखो 6th बता रही हूँ उसी का। अब देखो इसको ना मैं बता रही हूँ जैसे ऊपर नीचे लिख के बनाती थी वैसे, 9x² y² 9x² y² माइनस 6xy माइनस 6xy और प्लस 9। अब इसमें से देखो सब्ट्रैक्ट करना है, किसको करना है, माइनस 11x² y² माइनस 11x² y² प्लस 7xy प्लस 7xy, जैसे मर्जी हो बनाओ, जैसे पहले बताई थी वैसे भी बना सकते हो, वैसे भी बना सकते हो। अब देखो ये सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन है, बताई थी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में और माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। अब देखो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो 9 प्लस 11 x² y², अब ये दोनों माइनस के हैं, है ना, दोनों माइनस के हैं, तो बीच में माइनस कॉमन ले लो और 6 प्लस 7
एक्स वाई, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और ये दोनों प्लस, 9 प्लस 6। जैसे मर्जी हो चिल्ड्रन बनाओ, दोनों करेक्ट है। 20x² y² -6x 12 और 113xy और प्लस, आपको जो इजी लगे आप उसको एडॉप्ट कर सकते हो। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बच्चों, ये मैं समझाने के लिए ऊपर वाला लिख के नीचे लिख सकते हो, है ना? आ गया समझ में? और ये दोनों मैं आपको बता रखी थी जिस दिन मैं सब्ट्रैक्शन पढ़ाई थी, उस दिन भी मैं। अब 5 के 3 क्वेश्चन में बता दी, फर्स्ट बता दी, फिफ्थ बता दी, सिक्स बता दी, लिस्ट आप खुद बनाना, है ना? अब मैं नेक्स्ट इसके बाद आपको सिंप्लीफाई बताऊंगी। ठीक है ना रितिका, सबको समझ में आ गया या अभी भी किसी को प्रॉब्लम है? बड़ी क्लासेस में जाओगे ना बेटा तो ये ना बस एक आपका पार्ट होगा क्वेश्चन का, अभी तो आप यहाँ क्वेश्चन के फॉर्मेट में बना रहे हो, और बड़ी क्लासेस में ना ये क्वेश्चन का एक पार्ट होगा जहां पर आप सिंप्लीफाई करोगे। सब बच्चों को समझ में आ गया? हो जाए तो डन लिख देना ताकि मैं नेक्स्ट बताऊं आपको। 3 है बेटा सिंप्लीफाई, सिक्स्थ में फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप ही लोग बताओ तीनों में से कौन सा, कोई एक बताऊंगी, दो आपको खुद बनाना है। सिक्स्थ में 3 क्वेश्चन है, 3 में बताओ कौन सा बताऊं। गुड रुद्राक्ष, आपको रितिका, मनीष, सबको आ गया ना समझ में? वेरी गुड। अब आप बच्चों आप लोग बताओ मुझे कौन सा बताऊं, सिक्स का फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा बताऊं? फर्स्ट, ओके, ठीक है ना बच्चों, फर्स्ट बता देती हूँ। हाँ रितिका ने भी बोला, दर्शिका ने भी बोला, क्योंकि फर्स्ट थोड़ा बड़ा है तो आपको लग रहा है डिफिकल्ट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सब इजी है। यहाँ देखो सिक्स का फर्स्ट बता रही हूँ, 2p³ -3p² +4p -5 -6p³ -6p³ +2p² जिसको आता है खुद से बनाओ, -8p -2 +6p एंड +8। अब ये बच्चों सिंप्लीफाई है ना, कुछ नहीं करना है इसमें, एक जैसे जो है, एक जैसे जो है ना बेटा, उन एक जैसे को एक जगह लेकर आना है, ओके? अब जो एक जैसे का मतलब जिनकी पावर पहले पी क्यूब है, सबको एक जगह लाओ, 2p³ पहले ही इंडिकेट कर लो, -6p³, ठीक है? अब स्क्वायर वाले को एक जगह लाओ, 3p² + 2p², अब p वाले को एक जगह लाओ, +4p -8p + 6p। अब जिनमें कुछ भी नहीं है कांस्टेंट को एक जगह लाओ, उधर बोर्ड दिख रहा है आपको ना, -5 -2 + 8, सबको एक जगह ले आए चिल्ड्रन। अब क्या करो, देखो दो तरीके हैं बेटा, अगर ये जैसे दोनों -6p³ और यहाँ जब माइनस अंदर रखोगे ना बाहर बेटा, तो वही वाला प्रिंसिपल है कि साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 -2p² प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 -8p। याद रखना, ऑलवेज रिमेम्बर, when the sign is negative before the bracket, then the sign of the second one is changed. If it is plus, then it changes to minus, and if it is minus, then it is changes to plus. P, एक और है बेटा P, है ना, +6, तो 4 -8 और ये plus वाला -6p, ठीक है? फिर यहाँ पे minus रख रखे हैं बच्चों, minus रख रखे हैं तो क्या हो जाएगा, 5 + 2 - 8 हो गया। अब देखो 2 में से 6 गया तो 4, लेकिन ये बड़ा है तो -4p³। फिर यहाँ पे 3 में से 2 गया 1,
तो माइनस पी स्क्वायर वन तो लिखते नहीं हो। अब यहां देखो ये दोनों माइनस वाले जुड़ जाएंगे आपस में, तो 8 और 6 मिलकर 14, और 14 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो गया तो बच गया 10, लेकिन माइनस बड़ा है तो साइन किसकी आ गई, माइनस की, -10p, ठीक है ना, -10p। क्या कुछ गलत हुआ बच्चों, ये प्लस था ना तो ये भी माइनस होना था ना, ये माइनस और ये माइनस किसका होना था, प्लस का। देखो एक छोटी सी मिस्टेक हुई तो सब गड़बड़ हो गया। देखो ये प्लस था तो ये माइनस बनेगा, ये माइनस था तो ये प्लस बनेगा, और ये प्लस था तो माइनस बनेगा। अब देखो 6 और 4 मिलकर 10, और 10 में से 8 गया तो 2, -2p। तुम यहां से भी देख सकते हो, देखो 6 और 4 10, 10 में से 8 गया 2। और फिर लास्ट वाला बच्चों, तो लास्ट में क्या हो गया, 5 और 2 7, और 7 में से 8 गया तो क्या बन जाएगा, 1। लेकिन किसका 1 चिल्ड्रन, किसका 1, माइनस का 1, और माइनस मिलकर प्लस, प्लस 1। देखो यहां से भी देखो 5 और 2 7, माइनस का 7, और माइनस के 7 में से 8 गया तो क्या हो गया, प्लस का। आ गया सबको समझ में, आप लोग चैट बॉक्स पे क्या लिख रहे हो बच्चों। चलो आंसर लिख रहे हो आप लोग, मैं तो समझा रही हूँ बेटा। सबको समझ में आ गया, इसी तरह से सेकंड और थर्ड भी बनेगा। इजी सी एक्सरसाइज है बेटा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, है ना। सबने कर लिया, साइन का बहुत ध्यान रखना है, अगर आप साइन का ध्यान नहीं रखोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। डन। अब चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है बेटा, फ्रॉम द सम ऑफ 3x² -5x+2 एंड -5x² -8x+6, पहले इन दोनों को प्लस करना है बच्चों, और उसमें से फिर 4x² -9x+7 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये भी इजी है, पहले प्लस कर लेंगे फिर माइनस कर लेंगे, है ना। सेवन, पहले सम निकालते हैं, है ना। सम ये क्या हो जाएगा, 3x² -5x+2 और -5x² -8x+6। प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती बेटा, कोई साइन नहीं बदलता सम में। तो अब ये 3 में से 5 गया 2, -2x², माइनस माइनस प्लस होता है पता ही है, 8 और 5 13x और +8। अब ये सम में से फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट दिस, ठीक है ना। नाउ -2x², अब चाहो तो इसके नीचे ही लिख लो, इसमें से ही तो सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो इसमें से। ये यहाँ पे प्लस हुआ था, अब यहाँ पे 4x² -9x लिखा ही हुआ है बच्चों, दो बार क्यों लिखे, +7, और ये हम कर रहे हैं माइनस, ठीक है ना। तो साइन चेंज होगी बच्चों, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये माइनस का, हो गया। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी बच्चों, माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 2 मिलकर कितने हो गए, 6, बट किसका 6, माइनस का 6। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 13 में से 9 गया 4, बड़ा कौन है 13, तो साइन माइनस की। प्लस माइनस माइनस, 8 में से 7 गया 1, बड़ा कौन है प्लस, बीच में साइन प्लस की, एंड दिस इज आवर आंसर। देखा, फिर से सिर्फ एक बार बोल रही हूँ, माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 2 6, साइन माइनस की, माइनस प्लस माइनस, 4, बड़ा कौन है 13, सो द साइन ऑफ द माइनस। प्लस माइनस माइनस 1, बड़ा कौन है +1, एंड दिस इज आंसर। इजी हो गया ना बेटा, वो तो समझाना था इसलिए बार बार मैं आपको लिख के समझा रही थी। क्लियर है सबको। हाँ बेटा, लेकिन ना मनीष, जब हम बड़ी क्लास में जाते हैं ना बेटा, तो टेबलर फॉर्म नहीं करते हैं,
इसीलिए मैं आपको टेबुलर फॉर्म की जगह वो फॉर्म भी सिखा रही हूँ। कर सकते हो, अभी तो आप सिक्स सेवेंथ क्लास में हो तो कर लो सिक्स क्लास में, बट जब बड़ी क्लास में आगे जाओगे ना तो ये टेबुलर फॉर्म नहीं बनेगा। ओके सब लेके जाओ और ये सब मशीन में डाल देना। हाँ सफल पानी निकाल लिया, निकल गया तुमसे। डन चिल्ड्रन, नाउ वी हैव कम टू क्वेश्चन नंबर एट। टाइम है ना बच्चों अपने पास, सिर्फ ओनली 2 मिनट्स है। फटाफट देखो, एट में बेटा एबीसी की वैल्यू लिखी हुई है। मैं निकालती हूँ ए प्लस बी प्लस सी। ए कितना है मेरे पास, 7x2। तुम एक बार क्वेश्चन लिख लेना, प्लस 5xy माइनस 9y2 प्लस। बी कितना है, माइनस 4x2। अब चूंकि ये प्लस की साइन है बेटा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस 4x2 और साथ में प्लस एक्स वाई, प्लस एक्स वाई प्लस 5y2 और फिर प्लस सी। सी में क्या है, 4y2 माइनस 3x2 और माइनस 6xy। हाँ मुझे मुझे इसे 0 के इक्वल प्रूफ करना है चिल्ड्रन, तो मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड लिया है, ठीक है ना। अब एक वाले को एक जगह ले आओ, 7x2 माइनस 4x2 माइनस 3x2 और एक्स प्लस 5xy प्लस एक्स वाई माइनस 6xy और अब ये लाओ, माइनस 9y2 प्लस 5y2 एंड प्लस 4y2। सब एक जगह हो गए। अब 7 माइनस 4 माइनस 3 x² प्लस 5 प्लस 1 माइनस 6 xy एंड माइनस मत लो बाहर, दिक्कत होती है, प्लस लगा लो, ठीक है। प्लस पहले 5 लिख लो, फिर माइनस 9 लिख लो और फिर प्लस 4 लिख लो और बाहर में y² ओके। अब 0 0 और वो भी 0, सो दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू RHS, हैज रूट, ठीक है ना चिल्ड्रन। 4 और 3 7, 7 माइनस 7 0, 5 और 1 6, 6 माइनस 6 0 प्लस का 5 और 4 9, 9 माइनस 9 0 ओके। अब आज मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ चिल्ड्रन, ठीक है ना। आप आज जो है ना ये देखो 10th तक कंप्लीट करके लाना, ताकि लास्ट क्लास में मैं थोड़ा सा ही तो अब है, 10th तक बना लेना आप होमवर्क में, आप क्वेश्चन 10th तक करके लाना, ठीक है। फिर मैं 11 से भी बहुत इजी है, बट मैं उसको जो है ना आपको ये कर दूंगी, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके डन चिल्ड्रेन।